अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा कि 27 अक्टूबर तक यदि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो आंदोलन का बिगुल बजा दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना है कि जो राजनीतिक दल पुरानी पेंशन बहाली की बात करेगा वही देश में राज करेगा। मंगलवार को बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामचंद्र डवास ने कहा, पुरानी पेंशन बहाली की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। कुछ राज्यों से इसे गंभीरता से लेते हुए लागू भी कर दिया गया है, जिसका लाभ कर्मचारी वर्ग को मिला है। उन्होंने कहा, इस तरफ उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, प्राथमिक शिक्षकों को अतिरिक्त कार्य का बोझ डाला जा रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आ रही है। इसके अलावा सेंट्रल पे कमीशन को लेकर भी सरकारें गंभीर नहीं है। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर संघ की तरफ से जनचेतना यात्रा शुरू की गई है। जो भी सरकार संघ की मांगों को पूरा करेगी उसका समर्थन किया जाएगा, अन्यथा विरोध होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उधर इससे पहले प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मसलों पर चर्चा हुई। 2500 रुपए ही मासिक पेंशन मिलती रहेगी, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में लास्ट बेसिक पे ड्राउन का 50% पेंशन होती थी और उस पर हर साल 2 बार डीए मिलता था, यानी उसकी पेंशन हर साल बढ़ती थी। आज यदि किसी अध्यापक को 2500-2500 रुपये पेंशन मिलती है, 20 साल के बाद शायद 1 दर्जन केले खरीद पाना भी उसके लिए इतने पैसे में संभव नहीं हो पाएगा। तो हमारी सरकार से मांग है, इन परिणामों को देखते हुए, इन कुठाराघाती निर्णयों को देखते हुए, तुरंत प्रभाव से पुरानी पेंशन लागू की जाए, नई पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इसी क्रम में केवल अध्यापक ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के रेलवे, डिफेंस, पोस्टल, हेल्थ सर्विसेज, CPWD, ट्रांसपोर्ट, पावर सेक्टर जैसे तमाम कर्मचारी एकजुट होकर के 36 संगठनों की एक फोरम बनी है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन की बहाली के लिए लड़ाई लड़ रही है। रेलवे ने चेतावनी दी है, यदि 27 अक्टूबर तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो हमारा जो ज्वाइंट फोरम है वो देश में भारत बंद के लिए मजबूर होगा, और यदि रेल का चक्का जाम होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी सरकार की होगी। सारे कर्मचारी एकजुट होकर के भारत बंद का निर्णय ले सकते हैं, चक्का जाम करवा सकते हैं, या और भी कोई कठोर स्टेप जो है वो सरकार के खिलाफ उठा सकते हैं। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है सेंट्रल पे कमीशन की। सेंट्रल पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, यूटी के लिए है, लेकिन राज्य में सरकारें उसको देती हैं तरोड़ मरोड़ कर अपने मनमाने तरीके से, और जो सेंट्रल पे कमीशन है उसके अनुसार ना होकर के वो बहुत कम वेतन हमारे अध्यापक साथियों को या अन्य कर्मचारियों को मिलता है। हमारी प्रमुख मांग है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है समान काम समान वेतनमान का सिद्धांत मानता है, और उसी के अनुरूप जो है पूरे देश के शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतनमान मिलना चाहिए, सेंट्रल पे कमीशन लागू होना चाहिए, उसके अनुसार जो उसके अन्य लाभ मिलते हैं वो भी मिलना चाहिए। हमने देश में सड़कें, पुल, नहरें, बांध, बिल्डिंगें ठेके पर बनती देखी हैं, लेकिन शिक्षा को कॉन्ट्रैक्ट टीचर के हाथों में दिया जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि कॉन्ट्रैक्ट प्रथा बंद हो, आउटसोर्सिंग बंद हो, और नियमित अध्यापकों को की भर्ती की जाए, वह उन्हें उचित वेतनमान दिया जाए। चौथी मांग मैं हिमाचल सरकार से करता हूँ। यहाँ पर हजारों प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, ऊपर से हमारे अध्यापकों से अशैक्षणिक कार्य नॉन टीचिंग एक्टिविटीज में लगाया जाता है, जिससे शिक्षा प्रभावित होती है, शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है, और शिक्षक समाज को की बदनामी होती है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, हिमाचल सरकार से मांग करता हूँ कि तुरंत इन रिक्त पड़े पदों को तुरंत भरा जाए, ताकि एक एक शिक्षक को 4-4, 5-5 क्लास या 100-100 बच्चे ना पढ़ाने पड़े। दूसरी, मैं हिमाचल सरकार से ये भी मांग करता हूँ कि यहाँ पर जो एलिमेंट्री एजुकेशन शुरू की गई है उसके नर्सरी क्लासेस शुरू की गई हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन सॉरी प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की गई हैं, सरकार बधाई का पात्र इसके लिए, लेकिन सरकार ने कोई व्यवस्था किए बगैर ये क्लासेस शुरू की हैं, इसका उचित परिणाम नहीं मिलेगा। मैं सरकार से मांग करता हूँ, हिमाचल सरकार से,
कि तुरंत जो है नर्सरी टीचर्स की भर्ती की जाए। वह जिन विद्यालयों में नर्सरी क्लासेस शुरू की गई हैं वहां पर प्रत्येक विद्यालय में नर्सरी टीचर को भेजा जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट।